फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गुड वाइब्स का वाइट स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन लाई हूँ, जो कि SPF 50 का है और बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीन है। और स्पेशली ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। और अगर आपका कितना भी एज हो रहा होगा, किसी भी एज ग्रुप के हो, तो आप ये सनस्क्रीन को आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली ऑल टाइप स्किन टाइप के लिए है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन भी अगर आपका है तो आप इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा यूवी रेस हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन में सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको ब्लेमिशेस पिगमेंटेटेड एरिया है आपकी स्किन में, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो उसे बहुत हद तक ये ठीक करने में हेल्प करता है। और स्पेशली समर्स के सीज़न में हम लोगों को तो सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए, और हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहिए। तो ये गुड वाइब्स का जो सनस्क्रीन है रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगी, अब तक अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते आ रहे हैं तो अब से आप स्टार्ट कर लीजिए सनस्क्रीन यूज़ करने। ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा है। और इसमें कोई भी तरह का पैराबेन, मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं है, एनिमल टेस्टिंग ये सब कुछ भी नहीं है, और ये 100% वेगन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 260 का प्राइस में आता है, और ये 100 ml का बॉटल में आता है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा क्यूट सा पैकेजिंग में है, मुझे ये बहुत सही लगा। इनकेस अगर आप कुकिंग करते हो, खाना बनाते हो किचन में, तो उस समय भी हम लोगों को सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि कुकिंग खाना बनाने समय जो किचन से हम गैस निकलता है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है बहुत। इसीलिए हम लोगों को सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, हर 12 महीने में हम लोगों को 12 महीना पूरा सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। स्पेशली समर्स में कभी भी स्किप नहीं करना है सनस्क्रीन, नहीं तो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा डैमेज हमारे स्किन को होगा। ये सनस्क्रीन लगाने से कोई भी तरह का हम लोग को फेस में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर आपको अनइवन टोन की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, तो वो सब ठीक करने में हेल्प करेगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। स्पेशली इसमें SPF 50 है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट करता है, और ये बहुत ही अच्छा क्रीम बेस में आता है। आप देखिए, बस हल्का सा आपको अपने पूरे फेस में डॉट डॉट करके लेना है, और एक ही बार में बहुत सारा सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे फेस में अप्लाई करना है। इससे आपका फेस ऑयली भी नहीं लगेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, हाइड्रेट रहेगा आपका फेस, और बहुत ही अच्छा शाइन करेगा आपका फेस में। सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारे स्किन में ऑयलीनेस फील होता है, पूरा ऑयली ऑयली लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एकदम नॉन ग्रीसी है। आप लगाइएगा तो आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा, अपने आपके फेस में हैवीनेस फील नहीं होगा, कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। और मैंने इसे purple.com से परचेस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आपको ये परचेस करना हो तो। और पर्पल में अभी बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे 99 और 75 का भी ऑफ़र अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और मेरे चैनल में आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना।